कैसे चढ़ाया जाता है वो मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो में बने रहिए। और एक बात, ये वीडियो आप तक जल्द क्यों नहीं पहुंचता ये आपको मालूम नहीं, मैं आज बता देता हूं। आप वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते इसलिए आप तक नहीं पहुंचता, इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए कि कोई भी हम वीडियो अगर डालते हैं तो वो आप तक जल्दी पहुँच जाएगा, आपको सर्च करते ही आपके पास वीडियो पहुँच जाएगा। आप देख सकते हैं मैं पिस्टन को पहले साफ़ कर लिए सही तरीके से, आप देख सकते हैं। अब इसका रिंग कैसे डाला जाता है वो मैं आपको दिखाता हूं, आप वीडियो में बने रहिए। अब देख सकते हैं पहले वायल रिंग डालना है, अब पहले वायल रिंग डालना है। वायल रिंग आप देख सकते हैं मैं वायल रिंग डाल लेता, एक चीज ध्यान रखिएगा ये वायल रिंग, और वायल रिंग में जो ये साधा निशान होता है, आप इसके मैं दूसरा वाला दिखाता हूँ, ये सादा जो निशान होता है यानी ये निशान जो है वायल रिंग का ये कट पे रहेगा, ये मुंह पे वायल रिंग का ये जोड़ यहाँ पे है, देखिए देखिए ये जोड़ जो है डायरेक्ट ये इसका उल्टा साइड में रहेगा, इसका उल्टा साइड में। अब मैं आपको रिंग चढ़ा के दिखाता हूँ लाइव वीडियो, और वीडियो पर बने रही है। ये मेरा वायल रिंग चढ़ गया, आप देख सकते हैं ये मेरा वायल रिंग चढ़ गया। अब मैं कंप्रेसर रिंग आपको चढ़ा के दिखाते हैं, ये दूसरा नंबर पर कंप्रेसर। देखिए बहुत सारा मिस्त्री कंफ्यूज हो जाता है तो कंप्रेसर रिंग कौन सा है और टॉप रिंग कौन सा है, इसमें सादा वाला हमेशा टॉप रिंग है और जो ब्लैक कलर का रहता है वो कंप्रेसर रिंग होता है। और कोई क्या आज अभी तो बहुत सारा कंपनी में ऐसा भी आ गया जो वो लिख के भी रखता है, आप इस पर देख सकते हैं जो टॉप वन लिखा हुआ है ये एक नंबर में आप डाल सकते हैं। देखिए आप यहाँ देखिए जूम करके मैं आपको दिखाता, और इस पे देखिए आप टॉप टू लिखा हुआ है, ये दूसरी नंबर पे यानी ये कंप्रेसर रिंग है और ये टॉप रिंग है। इसको अगर आप ऊपर कर दीजिएगा तो रिंग में बैठेगा भी नहीं और आपका गाड़ी चलेगा नहीं, फॉरन बैक कंप्रेसर आ जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखना, ये टॉप जो है ऊपर साइड ही रहेगा, ये नीचे नहीं, ऐसा नहीं, ये रिंग ऐसे बैठेगा। तो मैं इसको आपको बैठा के दिखा देता ये कैसे बैठता है, मैं ये कंप्रेसर रिंग मैं कंप्रेसर रिंग फिटिंग कर लिया। अब देख सकते हैं मेरा कंप्रेसर रिंग बैठ गया, अब मैं टॉप रिंग बैठा के आपको दिखाता, ये मैं टॉप को ऊपर कर लेता, ये मेरा टॉप रिंग आप करेगा। देखिए टॉप रिंग बहुत हार्ड होता है दोस्तों, इसको चढ़ाने में थोड़ा दिक्कत होता है और रिंग टूटने का भी डर होता है। ये मेरा टॉप रिंग चढ़ गया। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल पैदा ये लेता है, हम रिंग तो चढ़ा लिए लेकिन रिंग को, इसका रिंग का जो कट होता है वो किधर रखें, तो मैं पर्सनली डीजल गाड़ी के लिए बताना चाहूँगा। डीजल गाड़ी में ऊपर निशान रहता है, आप देख सकते हैं निशान है, ये निशान है, ये टाइमिंग का निशान है, ये निशान हमेशा टाइमिंग की तरफ रहेगा, ये आप ऐसे नहीं रखते हैं तो हमेशा ऐसे पकड़ना होगा, ये टाइमिंग की तरफ और ये जो है ये फ्लाईव्हील की तरफ यानी उसका उल्टा साइड जो है फ्लाईव्हील की तरफ। और बहुत सारा गाड़ी में होता है जो उसका इंडक्टर फायर इधर से करता है, बहुत सारा गाड़ी का इधर से करता है, तो आपको इस चीज़ का देखना है कि वो उसका इंडक्टर जो किधर से लगा, राइट से कि लेफ्ट से। अगर वो इधर से लगा है तो ये टॉप रिंग जो है हमको इधर रखना, इधर घुमा कर रखना। अगर इधर से फायर करता जैसे फोर्ड फिगो वगैरह में वो उल्टा सेट रहता है, इधर से रहता है, तो उसका जो हमको क्या करना है टॉप रिंग को इधर रखना है। अगर और कोई जैसे जैलो यानी मान लीजिए महिंद्रा में ज़्यादातर वो बीच में फायर करता, जैसे अभी जैलो का मैं दिखा रहा पर्सनली, तो ये जैलो का इस पर बीच में फायर करता, तो इसको मैं इधर रख ले इधर रख तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मैं इसको अपना साइड रख लेते हैं, आप मैं इसको इधर रख लेते हैं, आप टॉप रिंग को हम यहाँ पर रखें, आप कंप्रेसर रिंग को हम किधर रखें, तो कंप्रेसर रिंग को सीधा हम घुमा के आप उसका उल्टा साइड रख लेंगे। आप देख सकते हैं कंप्रेसर रिंग को हम उल्टा साइड कर लिए, यानी टॉप रिंग इधर और कंप्रेसर रिंग पूरा हम इधर कर लिए घुमा के। अब उसी हिसाब से हम ऑयल रिंग को भी यहाँ पे रख लेंगे। आपको हम पहले एक बात बताए थे साधा वाला इसका मुंह पे रहना चाहिए, आप देख सकते हैं इसका मुंह पे हम यहाँ पे रख लेंगे। अच्छा यहाँ पे और एक सवाल है, जो ये वायल रिंग जो है ये वायल जेड के साम बराबर में नहीं होना चाहिए, उस पे रखने से हमारा इंजन जल्दी बैक कंप्रेसर आ सकता है, जो मेरा पर्सनली आइडिया से ऐसा है तो मैं बता रहा हूँ। अगर आपके पास और भी कोई तरीका है तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये वायल जेड यहाँ से फायर करता है और यहाँ से अगर कट होता है तो वो ये वायल जेड फायर करता है और यहाँ पे कट होता है, ये वायल जो है डायरेक्ट इस पर चला जाता, तो यानी कि ये वायल इधर नहीं पहुँच पाता, उस पर होता क्या है जो आपका इंजन बैक कंप्रेसर आने का संभव ना रहता। तो इसलिए हम क्या करें, क्योंकि मैंने जो
सेट किया था, ये मैं पिस्टन के कनेक्टिंग को दिखा के आपको, यानी फायर चैम्बर को दिखा करके हम सेट किए थे, लेकिन हमारा यहाँ पे सीधा वायल जेट आ जाता है, तो हमको इस पे वायल जेट के सीधा भी हमको वायल रिंग को नहीं रखना। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये पूरा तीनों रिंग को पकड़ के, पूरा रिंग को पकड़ के हम ऐसे घुमा देंगे, क्या करेंगे ऐसे घुमा देंगे। आप देख सकते हैं हम तीनों रिंग को घुमा दिए, अब मेरा जो टॉप रिंग और वायल रिंग का ये आ गया, कहाँ आ गया देख सकते हैं आप, इधर आ गया, यानी टाइमिंग के उल्टा साइड आ गया, और जो हमारा वायल जेट का निशान है इधर आपका कंप्रेसर रिंग आ गया। और दोस्तों इस तरह आप रिंग फिट कर लीजिएगा, ये मेरा आइडिया है और मैं इसी तरह हर गाड़ी का फिट करता हूँ, और पर्सनली ये डीजल गाड़ी के लिए है, डीजल गाड़ी कोई भी हो जाए, चाहे BMW हो, बॉडी हो या फिर फोर्ड का, यानी कोई भी गाड़ी हो, डीजल गाड़ी में सिम इसी तरह फिट होता है। आपको सिर्फ क्या बोलते हैं फायर चैम्बर का ध्यान रखना है, अगर फायर चैम्बर इधर है तो उसको इधर रखना, और इधर या इधर है इंडक्टर तो उसको इधर रखना, बाकी टाइमिंग की तरफ जो है नहीं रखने का, कोई भी रिंग का मुंह जो है टाइमिंग की तरफ या फ्लाईव्हील की तरफ नहीं रखना, उसका उल्टा सेट रखने का। तो उम्मीद है आप चढ़ाना रिंग का मुंह किधर रखे आप समझ गए होंगे, अब रिंग कैसे प्रेस किया जाता है कनेक्टिंग यानी सिलेंडर में वो मैं आपको दिखाऊंगा, वीडियो में बने रहिए।